तो दोस्तों कल का जो हमारा अभ्यास प्रश्न था वो था हाल ही हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो दोस्तों आज 1 जुलाई है और हम आपके लिए आज के करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स लेके आए हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर पर चलने से पहले हम आज का अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी है। तो इसका उत्तर है 16 राज्य। भारत नेट अब इन राज्यों में ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गाँवों तक विकसित रहेगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है, इसका नाम बताइए। दोस्तों इसका उत्तर है नेट्रैक्स द हाई स्पीड ट्रैक्स। यह ऑटोमोबाइल के लिए एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है और ट्रैक की जो कुल लंबाई है वो है 11.3 किलोमीटर। तीसरा प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है। तो इसका जो उत्तर है वो है 30 जून। वे देश के स्वाधीनता संग्राम के सेनानी थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय सांसद थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे। तो दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो इसका उत्तर है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत का जो कार्यालय है वो 2022 तक 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किसे कुबेम्पु पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। वे उड़ीसा के रहने वाले हैं और एक कवि हैं। इस पुरस्कार में 5 लाख का नगद पुरस्कार, 1 रजत पदक और 1 प्रशासित पत्र दिया जाता है। छठा प्रश्न है, साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो इसका उत्तर है 10वां। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। सातवां प्रश्न है, ग्रीन पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़ से 7 एशियाई शहरों के 15 मिलियन लोग प्रभावित हो सकते हैं। इन 7 शहरों के नाम बताइए। तो ये जो 7 शहर हैं वो हैं टोक्यो, बैंकॉक, हांगकॉन्ग, मनीला, ताइपे, सियोल और जकार्ता। हमारा आठवां प्रश्न है, DCGI ने मुंबई बेस्ट दवा कंपनी सिप्ला को भारत में सीमित आपातकालीन उपयोग के लिए COVID-19 की किस वैक्सीन को आयात करने की अनुमति दी है। तो इसका उत्तर है मॉडर्ना। मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के बाद 4थी COVID-19 वैक्सीन है। नौवां प्रश्न है, किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुंडरकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है। तो इसका उत्तर है रूस। दसवां प्रश्न है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किस वैक्सीन को ग्रीन पास के लिए अनुमोदित टीकों की सूची से बाहर कर दिया है। तो इसका उत्तर है कोविशील्ड। EMA के अनुसार इस वैक्सीन को सूची से बाहर रखा गया था क्योंकि इसके पास यूरोपीय संघ में विपणन प्राधिकरण यानी कि मार्केटिंग ऑथराइजेशन नहीं है। ग्यारहवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक और संस्कृति केंद्र की आधारशिला रखी है। तो इसका जो आंसर है वो है लखनऊ। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यहाँ 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। बारहवां प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो इसका आंसर है गंगा। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने गंगा नदी बेसिन का ग्लेशियर झील एटलस जारी किया है। 13वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। यह लाहौल स्पीति के काजा स्थान पर स्थित है और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 12,270 फीट और ये मीटर में 3,740 मीटर है। तो दोस्तों कल का जो हमारा अभ्यास प्रश्न था वो था, हाल ही में विश्व की किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को एजेंसी में नियुक्त करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही उत्तर था वो था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट देखो सीखो.गुरु पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।